जर्सी ऑफिशियल ट्रेलर है शाहिद कपूर और इसके अंदर है मरुनल ठाकुर। तो ये है 31 दिसंबर की वीडियो है। 31 दिसंबर को आएगी ये मूवी, आएगी। सॉरी मिस्टेक हो जाती है हमसे भी। खैर बात नहीं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधा। ठीक है, ये शायद वो टाइम बाद नजर आ रहे हैं उसके अंदर, राइट? हाँ, तो मैं इसीलिए भी थोड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिल्कुल ही गायब हो गया था ना, कोई ना मूवीज आ रही, ना सॉन्ग आ रहे, ना कुछ, ना कोई न्यूज आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रही, नथिंग। तो अब फाइनली हम देख रहे हैं। विद्या, किट्टू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है। टीवी के पास करंट बिल के 100 रुपीज रखे, आज भी पे नहीं किया ना तो कट कर देंगे। किट्टू ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे। मुझे 500 रुपए चाहिए विद्या। वो जितना मांग रहा है उतनी कमाई है नहीं। मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में। पता है? ठीक है, नहीं देना मुझे। कितनी होए, प्रैक्टिस के बाद किसी का बर्थडे गिफ्ट भी तो लेना है। सच में जर्सी खरीद के दोगे ना पापा? प्रॉमिस हो गया, देख लो। अब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते, चांस ही नहीं है। पैसे चाहिए थे यार, उसने जर्सी मांगी है मुझसे, 500 दिए। अपनी घर में अपनी बीवी से चोरी कर रहे हो तुम। हर रोज लगता है कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकते तुम, बट यू प्रूव मी रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। ऐसे देखती हूँ ना तो सब लगता है कि मेरी वजह से हुआ। यू लिसनिंग टू मी? मेरी तरफ देखो एटलीस्ट। कभी एक बढ़िया क्रिकेट प्लेयर और अब एक लूजर। एक असिस्टेंट कोच की जगह खाली है क्लब में। वो ग्राउंड छोड़ गया सर। छोड़ा नहीं, भागा था तू वहाँ से। आखिरी बार खुश तभी देखा था मैंने तुझे। नूर न रुखते साबी न मुखते के अग बन गया। मैंने अपने पूरे करियर में तुझसे बेहतर बैट्समैन नहीं देखा। तेरी जगह तो टीम इंडिया में थी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला। You had your chance and it's over now. मेरा सबसे बड़ा डर जानती है, जी मैं यूं ही रह गया ना तो वो भी मुझे वैसे ही देखेगा जैसे बाकी सब देखते हैं। उसकी नजरों में से एक कतरा भी कम मैं होने नहीं दूंगा विद्या। तुमको लाइफ में क्या चाहिए? एंड इफ यू चूज क्रिकेट, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कहते हैं ना, पैशन के लिए कुछ भी कर सकता है बंदा। This is what this movie says. और मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि एक जो बाप है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर रहा था और दूसरी साइड पर उसकी बीवी उसके साथ में नहीं थी। पहले से तरीके का कॉन्सेप्ट है जहाँ तक हमें अभी तक समझ आया है। बट इस मूवी को देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत एक तो शाहिद कपूर वापस से आ गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा गायब हो गया था। और दूसरा ये कि मूवी बहुत अच्छी। अच्छा, शाहिद कपूर की ना पहले भी 2-3 मूवीज है जो क्रिकेट के ऊपर है। इसमें रानी मुखर्जी के साथ में इसके वो लड़का बना था और पंजाबी बॉय थी। मुझे तो वो 2-3 मूवीज ऐसी थी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली मूवी मुझे ना अपने पापा के साथ बैठ के देखनी पड़ेगी क्योंकि क्रिकेट वाली भी है और ऐसी भी है तो मजा आने वाला है। सो क्या लगता है? नो डाउट, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। एक तो टाइम बाद आया तो हम आगे भी मिस, यानी कैसे मिस कर सकते हैं ऐसे भी। और दूसरा ये कि ना स्टोरी ये लेकर आया है, इसमें मैरिड शादीशुदा है, एक बड़ा बेटा भी बड़ा हो गया और कमा नहीं रहा है, मगर बीवी सपोर्ट नहीं करी। एक तरीके वैसे रियलिटी वाली भी अंदर बात फीलिंग आ रही है वो कि वो ये ट्रुथ है तो आजकल के टाइम पे यही होता है वैसे। वेल बट इसी चीज़ को ही मैं ना एक्साइटेड हूँ कि मैं देखना चाहूँगी इस स्टोरी को। एंड क्या था, क्या रीज़न था कि उसने ना बीच में क्रिकेट छोड़ दिया, क्या लड़ाई किस वजह से हुई थी, तो स्टोरी
ऐसी मुझे नहीं पसंद, अधूरी अधूरी पूरी देखनी पसंद है, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है वो जो एंड में इसने बोला ना कि अगर तुम्हें क्रिकेट चाहिए तो हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, हाँ। तो मुझे लगता है कि उसने इन दी एंड ना क्रिकेट ही चूज किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो सस्पेंस छोड़ दिया था, वो बैट दिखाया था एंड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने क्रिकेट को ही जो है वो आगे रखा होगा। मुझे अपने पैशन को कैसे बंदा लाए ना, इग्नोर कर सकता है फैमिली के लिए, आपको अपने पैशन को भी साइड में करना पड़ता है। बट इस स्टोरी को देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसने अपने पैशन को ही आगे कंटिन्यू रखा या फैमिली को ही फॉलो किया। इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। Do like, share, comment and subscribe and don't forget to hit the bell icon. Tab tak ke liye, Allah Hafiz.